गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत और बिहार के कोढ़ी विधानसभा उपचुनाव उलट फेर से। अररिया में जबरदस्त उत्साह है। फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया है। इस मौके पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी है। बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी ने कहा है कि पिछले दो दशक में मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किया है और आज जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर जीत का नया इतिहास रचा है। गुजरात में जो है भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी के ऊपर में लोगों ने अटूट विश्वास किया है। हमारे जो भाजपा के जो है नड्डा जी के ऊपर में अटूट विश्वास किया है। अब लगता है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो मैं जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने बहुमत को प्राप्त किया था पूरे भारतवर्ष में, उससे ज़्यादा बहुमत से हम लोग जो है 2024 में आएंगे। जनता का विश्वास पर हम लोग खड़े उतरे हुए हैं और आगे भी जनता के विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। बीजेपी जीती है, खास करके बिहार में हम लोगों को जीत का जो है जश्न देखना था, क्योंकि नीतीश जी का जो क्रियाकलाप है हर जगह जो है फैल है ये, और खास करके जो हम लोगों को कुढ़नी में जो लगाया गया था, तो मनोज कुशवाहा जी जो प्रत्याशी थे जदयू के, उन्हीं के गांव में हमको लगाया गया था चुनाव में, और उसी के गांव से सबसे ज़्यादा मत से हम लोग जीते हैं। कुढ़नी में चढ़वा पंचायत है, चढ़वा पंचायत में मनोज कुशवाहा जी प्रत्याशी का घर है जदयू के, और उसी पंचायत में मुझे लगाया गया था, वहीं से हम लोग सबसे ज़्यादा। इससे साबित होता है कि जदयू का जनाधार बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। को बहुत अरसों के बाद प्रधानमंत्री मिला और राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, समर्पित के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री हर स्टेट और देश के लिए विदेश में भी अपनी पहचान बनाया। कुढ़नी विधानसभा जीत महत्वपूर्ण जीत है, ये झांकी है और पूरे बिहार का विधानसभा बाकी है। इस बार कहीं कुछ जदयू गठबंधन महागठबंधन सब साफ है।